टूटे हुए चावलों पर बैन जारी, लेकिन सरकार ने कुछ लोगों को एक्सपोर्ट की मंजूरी दे दी है। आइए जानते हैं क्या है इसकी वजह। दरअसल देश में केंद्र की मोदी सरकार ने 8 सितंबर 2022 से टूटे हुए चावलों पर बैन लगा रखा है। सरकार का ये फैसला चावलों की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए किया गया था। सरकार ने अपने इस फैसले में अब थोड़ी बहुत ढील दे दी है। आपको बता दें कि सरकार ने कुछ लोगों को ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि सरकार ने 3,97,000 टन के ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट को मंजूरी दी है। सरकार ने उन लोगों को एक्सपोर्ट में राहत दी है जिन्होंने 8 सितंबर से पहले ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट पर कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे। मालूम है कि इन लोगों ने सरकार से गुहार लगाई थी, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 2022 से पहले हुए कॉन्ट्रैक्ट या ऑर्डर जिन लोगों ने किया है उनको ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट करने की छूट दे दी है। सरकार ने एक्सपोर्ट करने की डेडलाइन 31 मार्च 2023 तक दी है, यानी कि अगले साल के मार्च महीने तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश में चावल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि आगे चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध का दायरा और बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने चावल के विभिन्न ग्रेड की निर्यात पर 20% ड्यूटी लगाने का भी फैसला लिया था। आपको बता दें कि चीन के बाद भारत देश का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। चावल के वैश्विक व्यापार में भारत की 40% हिस्सेदारी है। सरकार ने उसना चावल को छोड़कर गैर बासमती चावल पर 20% का निर्यात शुल्क लगा दिया है। चालू खरीफ सत्र में धान फसल का रकबा काफी घट गया है। ऐसे में घरेलू सप्लाई बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने ये कदम उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।